हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है सोलफुल गार्डनिंग में। आज हम बात करने वाले हैं पान के पौधे के बारे में। पान का पौधा हमारे यहाँ बहुत आयत से यूज़ होता है, ना केवल पूजा में बल्कि इसके मेडिसिनल उपयोग के कारण भी। ये बहुत ही लाभदायक औषधि है। कत्थे और सुपारी के बिना अगर इसका सेवन किया जाए तो यह बहुत लाभप्रद होता है। इसे बहुत ही आसानी से गमले में लगाया जा सकता है। पान को गमले के लगाने के लिए इसकी मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए, जिसमें पानी आसानी से निकल जाए और ठहरे ना, और इस तरीके से इसकी जड़ें इसमें से यहाँ से निकलती हैं। ये अपने आप में एक क्लाइंबिंग वाइन जैसा ही है, क्लाइंबिंग वाइन ही है, क्रीपर भी कह सकते हैं। ये इस तरह के जो देख रहे हैं, इसमें से ये शूट्स निकलते हैं और वो अपने आप ही जिस भी सहारे से आप दीवार के सहारे से लगाते हैं तो अपने आप भी सपोर्ट लेता हुआ ऊपर बढ़ता चला जाता है। इसको किसी सपोर्ट से लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब ये बड़ा हो जाता है तो अपने आप ही दीवारें का सहारा लेके और उसी पे जो चिपक जाता है और धीरे धीरे वैसा ही बढ़ता चला जाता है। बात करते हैं हम फर्टिलाइज़र की, तो फर्टिलाइज़र के लिए हमें महीने में एक बार इसको लीव कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या काउडंग हमें डालना चाहिए। ऊपर से इस प्रकार से इसको डालने के बाद अच्छे से इसकी गुड़ाई कर दें ताकि जो भी हमने कंपोस्ट डाला है वो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए, और जब हम इसे पानी डालें तो वो पौधे में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। मैंने यहाँ पे 50% लीव कंपोस्ट और 50% काउडंग यूज़ किया है। अभी मेरी गमले की मिट्टी गीली है तो मैं इसमें और ज़्यादा पानी नहीं डाल रहा हूँ। पानी का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि इसकी मिट्टी मॉइस्ट रहनी चाहिए, लेकिन इसकी मिट्टी ज़्यादा गीली ना हो। बहुत ज़्यादा अगर मिट्टी गीली हो जाएगी तो इसकी रूट्स गल जाती हैं और पौधा मर जाता है। और इसको ये, क्योंकि ये वाइन है तो हम शुरू में इसको एक इस तरह से एक लकड़ी लगा कर इसको सपोर्ट देंगे ताकि ये पौधा हमारा स्टेबल बना रहे और इसी के साथ से ऊपर चढ़ता रहे। ये मीठे पत्ते का पान है। पान कई वेराइटीज़ में आते हैं, तो जो डार्क कलर के ज़्यादा पान होते हैं उनकी मेडिसिनल वैल्यू ज़्यादा होती है। लाइट कंडीशंस की हम बात करें तो ये शेडी एरिया में रहना पसंद करता है। इसे डायरेक्ट धूप में कभी भी ना रखें। डायरेक्ट धूप में हम रखेंगे तो ये पौधा हमारा ख़राब हो जाएगा। हमेशा इसे शेडी एरिया में रखें जो कम धूप आती हो जहाँ पे, तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। इंसेक्ट्स के बचाने के लिए हमें नीम ऑयल का प्रयोग करना चाहिए। महीने में एक बार इसमें नीम ऑयल का स्प्रे पत्तियों पे अच्छे से प्लांट में करना चाहिए। इस पौधे की पत्तियों को हम खाने के लिए उपयोग करते हैं, तो इसमें कभी भी केमिकल फर्टिलाइज़र इंसेक्टिसाइड्स का उपयोग ना करें। पान का पत्ता आप जब भी तोड़ें तो सबसे नीचे वाले पत्ते को तोड़ें, इससे पौधे की ग्रोथ अच्छी बनी रहती है। यदि इन बातों का ख्याल रखेंगे तो आप भी अपने गमलों में पान का पौधा उगा सकते हैं और इसके औषधीय गुणों का लाभ उठा सकते हैं। तो होप करता हूं फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी चलते हैं और मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक नमस्कार।